कॉमन सेंस तो कॉमन सेंस होता है ना कि थोड़ी समझ तो सभी होती है, रोटी को छोची तो कोई नहीं कहता है ना। हमने कहा ये पार्टी बड़ी मोटी है, ये लोग 65,000 करोड़ के ग्रुप और ये कह रहे हम तुम्हें सक्सेसफुल दिलाएंगे, तुम सक्सेसफुल बनोगे तो हम सक्सेसफुल बनेंगे, और हम अपना करोड़ों भी लगा रहे हैं, रुपया भी लगा रहे हैं और नाव भी दांव पर लगा रहे हैं। अब इनकी इज्जत किसके हवाले है? हमारी सफलता के हवाले है। यस और नो? अब इनको तो आता है, ये तो 400 रुपए से 65,000 करोड़ का लिया है, इनको तो आता है, इनको तो गंगा मारनी आती है। अगर हम भी इनके साथ गंगा में बहेंगे तो हमारी भी नहीं आती नारी लग जाएगी। इतनी बात मेरे समझ में आई आज, मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आया आज या क्या आएगा। इतना समझ लेना कि भैया हम लोग, पांच हमारे जो लोग होते हैं ना हमारे आसपास, उन पांच लोगों की जो औसत इनकम होती है वही इनकम हमारी हो जाती है। अगर आप गरीबों में रहोगे गरीब ही बनोगे, अगर आप अमीरों में ही रहोगे आप अमीर ही बनोगे, आप दारू पीने वालों में बैठोगे आप दारू नहीं बनोगे, आप सत्संग जाने वालों में बैठोगे आप सत्संगी बनोगे। तो पता है ना yes. पांच लोग जो आपके आसपास रहते हैं वो आपकी नियति डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। अब हमने ये साफ कराया, देखो किस किस को जानते हैं, अच्छा मैं इसको जानती हूँ, ये इतना कमाता है, इतना कमाता है, इतना कमाता है, और तेरी केके मोदी ग्रुप समीर मोदी जी 65,000 करोड़, फिर मैंने टोटल करके एवरेज निकाला तो मेरा एवरेज कितना ज्यादा आ गया? कॉमन सेंस। तो ये कॉमन सेंस आप भी कर सकते हो। तो सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ने का डिसीजन, उनके साथ जुड़े रहने का डिसीजन, अपना दिमाग ज्यादा चलाने का नहीं, केवल कि उस तरफ का सुन पाता है, अपने को जो करने को बोलेंगे वो चुपचाप करने का डिसीजन, उसको कहते हैं सही सोच। हमारे करते ही लोगों ने हमारे लिए ना वो फूल बिछाने शुरू नहीं कर दिए थे, हमारे लिए कोई भी आरती की थाली लेकर नहीं खड़ा था। मेरे सगे ताऊ जी जिनको मैं सबसे ज्यादा इज्जत देती हूँ, अरे बेटा ये किस चक्कर में पड़ी, मैं अजमेर की बात बताती हूँ। मैं मेरी सिस्टर की सगाई में आई तो मैंने लिया फटाक से सगाई वगैरह, जैसे फंक्शन वंक्शन करना और निशान छोड़ा था, मैंने मेरे मोदी के प्रोडक्ट दिखाए और बस हमारे LIC बिल्डिंग के पास में पार्लर है, मैंने कहा लाओ पार्लर वाली से मिलकर आती हूँ उसकी किस्मत बदल जाएगी। मैं जैसे निकली बड़े पापा पूछते मेरे कहाँ जा रही है, बोलो बड़े पापा बस जरा 5 मिनट थोड़ा सा मोदी का काम करके आती हूँ, खाली हो जाएगी। क्या दिक्कत है तुम्हारे को, धूप की उस समय खाली हो जाएगी, किस चक्कर में पड़ेगी। हर किसी ने शुरू में हमें भी ऐसे ही बोला, पर एक बात बताओ ईमानदारी से बताना, आज मैं मेरे बेटे की शादी करने खड़ी होंगी क्या वो बड़े पापा 2 करोड़ रुपया देंगे? मेरे हस्बैंड बीमार पड़े उनके इलाज के लिए क्या उन बड़े पापा ने 1,00,000 रुपया दिया? बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, पर मेरे घर मेरा रावण मुझे मारना है ना, आपका रावण कौन मारेगा? आप मारोगे तो फिर किसी और की सोच के से अपने बच्चों का भविष्य क्यों निर्धारित करें? उन्होंने तो ये संगीत सुना नहीं, उनको तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम नहीं, उनकी तो ताकत नहीं है, उनके तो दिमाग में संगीत बज नहीं रहा सफलता का, आपके तो दिमाग में बजने लगा है, आप तो नसीब वाले हो, उनके चक्कर में आप क्यों अपना नसीब खुटा करो। तो मैंने एक बात सोच ली थी, किसी ने सुनी, सुरेखा भार्गव पूरे पैसा प्लेट से खा गया बड़ा दोनों, अच्छा बड़ा बोलना है कहने की हाँ, बड़ा खेतों में नहीं तो बड़ा बटोरों में कैसे, खेतने की तरह तो आलू चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा बड़ा बोलू बड़ा बोलू, मैंने ऐसे कुछ कहा कि मेरे हस्बैंड को मोटर बाइक दिलाऊंगी, और वो भी कहने लगे बोले पैसे तो नहीं लगते बड़ा बोल सारे लोग ना पैसे लगते तो मना कर देते, पैसे नहीं लगते तो क्या बोले बड़ा बोल बड़ा बोल। इनका अच्छा ठीक है 100 हिंदुस्तान की 100 सबसे बड़ी शब्दों में शामिल होंगी, बस मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया कि पागल हो गई है हिंदुस्तान की 100 सबसे रही सौटों में शामिल होने की बात बहुत बड़ी थी, तो बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद अपनी भी नहीं सुननी। बस आपको भी अभी एक मिनट का टाइम दे रही हूँ।